हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित। आज के स्टूडियो बात करेंगे सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं लास्ट एपिसोड की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों बता दूं कि सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य में फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य का नया टास्क है, उसका नया लक्ष्य है उन 13 जनपदों के वंशजों को छुड़ाना, और इसके लिए उसे जाना है मगध के महल के अंदर, और वह करने में कामयाब भी रहा अपने इस लक्ष्य को पूरा। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के वेश बदल कर पहुंच जाते हैं मगध के महल में, वो भी एक पहेली को लेकर। वह पहेली क्या, आगे उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे में वह एक पहेली को लेकर पहुंचते हैं मगध के महल में, और वह पहेली कुछ इस प्रकार की, जो उस पहेली को सॉल्व कर देगा, उस पहेली को सुलझा लेगा, वही होगा अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट। और हम सभी को पता है कि धनानंद खुद को श्रेष्ठ जताने के लिए उस पहेली को सुलझाने के समक्ष प्रयास जरूर करेगा। ऐसे में आचार्य चाणक्य धनानंद से कहते हैं कि महाराज, मुझे पता है कि आप अच्छी तरह से इसको सुलझा लेंगे पहेली को, लेकिन अगर आप पहले अपने भाइयों से इसे सुलझाने का प्रयास करते हैं तो तभी ये स्पष्ट होगा कि आप है भारत के चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे में धनानंद कहीं ना कहीं चाणक्य के जाल में फंस जाता है और सभी भाइयों को आमंत्रण भेज देगा आने वाले एपिसोड में कि वह वहां आए और उसे उस पहेली को सुलझाने का प्रयास करे। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य को काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा महल के अंदर रहते हुए उन 13 जनपदों के वंशजों को छुड़ाना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक और परेशानी है, क्योंकि उन अगर 13 जनपदों के बच्चों को बचाना है उसे, तो उसे चाहिए दशा सिद्धकी का साथ, क्योंकि दशा सिद्धकी ही उन बच्चों की निगरानी करे हुए है। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मुसीबत का भी हल निकालते हुए वह उसकी ही सेना के सैनिकों में सम्मिलित हो चुका है। ऐसे में दशा सिद्धकी को पता नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य उसके साथ जो सैनिक है उसमें ही सम्मिलित है। ऐसे में दशा सिद्धकी आने वाले एपिसोड में धनानंद के बुलावे पर स्वयं तो चल जाएगा, वो भी अपने सैनिकों को उन बच्चों की निगरानी रखने के लिए। और शायद चंद्रगुप्त मौर्य की यही रणनीति है कि वह उसे अकेला छोड़ दे उन बच्चों के पास और वह उन्हें बचाकर निकाल ले। लेकिन वहीं पे आचार्य चाणक्य उन सभी भाइयों को कितने समय तक वहां पर पहेली में उलझा रखने का प्रयास करते हैं, कितनी देर तक उन्हें उलझा कर रख सकते हैं, ये भी देखना इंटरेस्ट होगा आने वाले एपिसोड में। क्योंकि अगर गलती से भी धनानंद को भनक लग जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहुंच चुका है महल के अंदर, और जो सामने उसके एक व्यक्ति खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य, जिससे वो इतनी नफरत करता है, कुटिल चाणक्य बोलता है उन्हें, ऐसे में धनानंद का क्रूर रूप भी सामने आ सकता है। तो ऐसे में खतरा तो मौजूद है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का भावी सम्राट है, तो उसे ये सब खतरे तो आसानी से समझ लेने चाहिए। तो आने वाले एपिसोड में स्टोरी कुछ इस प्रकार से हो सकती है दोस्तों, कि धनानंद के बुलाए पर दशा सिद्धकी स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य और अपने बाकी सैनिकों को उन बच्चों की रक्षा करने के लिए वहां छोड़ दे, और ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ जाएगा एक प्लस पॉइंट, क्योंकि दशा सिद्धकी नहीं होगा वहां पर। और वहीं पे आचार्य चाणक्य की रणनीति के अनुसार सभी उसके भाई यानी धनानंद के भाई और धनानंद स्वयं और अमात्य राक्षस और सभी मुख्य पात्र जो कि धनानंद के विश्वास पात्र है, वह वहां पर एकत्रित हो जाएंगे। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा उन बच्चों को बचाना। लेकिन आने वाले एपिसोड में जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य उन बच्चों का प्रयास करते हुए हमें नजर आ रहा है, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए परेशानी में नजर आ रही है, क्योंकि जो उसके साथी सैनिक है जिनमें वह सम्मिलित हुआ है, वह उसे देख लेंगे यानी चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान लेंगे, उसे पकड़ लेंगे उन बच्चों को छुड़वाते हुए। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य हमें आने वाले एपिसोड में युद्ध करते हुए यानी उन सभी सैनिकों के साथ दो दो हाथ करते हुए भी नजर आ सकता है। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य अकेला इतने सारे सैनिकों से भिड़ता है तो परिणाम क्या होते हैं देखने आने वाले एपिसोड में। लेकिन चाणक्य ने उसे इस प्रकार से अखंड भारत के लिए तैयार किया है कि वो इतने सैनिकों को तो संभाल लेगा, पूरा भरोसा है हम सभी को यानी चंद्रगुप्त मौर्य के फैंस को चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। आपको क्या लगता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य चटा पाएगा उन सभी धूर्त सैनिकों को धूल, या फिर इस बार फिर से होगी धनानंद की जीत? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए, और आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये भी जरूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो का स्पेशल रखूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।